नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। किसानों के रेल रोको प्रदर्शन का खास असर नहीं। 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का रेल रोको अभियान खत्म हो चुका है। बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि गुरुवार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में ट्रेनों को रोका जाएगा। इसी के मद्देनज़र रेलवे ने देश भर में, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में रेलवे पुलिस सुरक्षा बल की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई थी। हालांकि आंदोलन के चलते रेल सेवाओं पर न्यूनतम असर हुआ है। रेलवे ने बताया कि प्रदर्शन समाप्त होने के घंटे भर के भीतर सभी रेल सेवाएं देश भर में सामान्य हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक 19 फरवरी को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी एवं रामगढ़ समेत प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बादल छाने के साथ साथ कुछ स्थानों पर गरज या वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बता दें, 19 फरवरी को राज्य के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला खरसावा जिले में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 20 और 21 फरवरी को मौसम बदल कर शुष्क हो जाएगा। इस दौरान यहां आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं राज्य में 22 और 23 फरवरी को आसमान साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। झारखंड में कॉलेज, कोचिंग सेंटर 8वीं से 11वीं तक के स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले काफ़ी दिनों से बंद पड़े कॉलेज, कोचिंग समेत कई अन्य संस्थानों को खोलने की अनुमति हेमंत सरकार ने दी है। इसके तहत 8वीं से 11वीं के स्टूडेंट अब स्कूल जा सकेंगे। वहीं सभी सरकारी ऑफिस रोस्टर को खत्म कर 100% उपस्थिति अनिवार्य की गई है। बता दें, आगामी 1 मार्च 2021 से 8वीं, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट स्कूल जा सकेंगे। वहीं सरकारी ऑफिस में काम करने वाले के लिए रोस्टर प्रणाली खत्म करते हुए 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा कॉलेज और बंद पड़े कोचिंग सेंटर भी 1 मार्च से खुल जाएंगे। 25 फरवरी से खुलेंगे सभी प्राइवेट और सरकारी ITI। झारखंड के सभी निजी और सरकारी ITI को खोलने की अनुमति दे दी गई है। बता दें, झारखंड सरकार ने 25 फरवरी से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला किया है। गुरुवार को आपदा प्रबंधन की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण में कमी के बाद कई जरूरी निर्णय लिए गए हैं। कोरोना जांच व टीकाकरण की गति बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना की भी जांच तथा टीकाकरण की भी गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में 100% कोविड टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित कराया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य हो। झारखंड के विश्वविद्यालयों में 2500 सहायक प्राध्यापकों व 1000 कर्मियों की होगी बहाली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों और शिक्षकेतर कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग नियुक्ति की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गया है। बता दें, यह नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग में वर्तमान में चल रही वर्तमान नियुक्ति से अलग होगी। राज्य के विश्वविद्यालयों में अभी सहायक प्राध्यापकों के लगभग 2500 पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। JPSC आवेदकों के लिए अच्छी खबर। उपायुक्तों व अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी मान्य। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में कार्मिक विभाग द्वारा 25 फरवरी 2019 को जारी पत्र के पूर्व सक्षम पदाधिकारी जैसे अनुमंडल पदाधिकारी, उपायुक्त द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। आयोग ने बुधवार को इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। हर थाने में 2 स्ट्रेचर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे मुख्यमंत्री। झारखंड में हो रही सड़क दुर्घटना में अधिकांश मौत अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हो रही है। ऐसे में रक्तस्राव को रोकने के लिए सभी थानों में मेडिकल किट की व्यवस्था करें। घायल को उठाने के लिए 2 स्ट्रेचर और ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। यह व्यवस्था जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को दिया है। उन्होंने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। हजारीबाग में हाथियों का झुंड 13 घंटे के अंतराल पर 2 को मार डाला।
हजारीबाग जिले के दारू और टाटी झरिया में जंगली हाथी ने 13 घंटे के अंतराल में दो लोगों को कुचलकर मार डाला। बता दें पहली घटना बुधवार रात को दारू के चिरुआ में हुई, वहीं दूसरी घटना गुरुवार की सुबह 11 बजे टाटी झरिया के अमनारी जंगल में हुई। झारखंड में 38 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 26, पूर्वी सिंहभूम 10, बोकारो से 2 मरीज मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 119,477 है, जबकि 117,926 लोग स्वस्थ हुए और 1,084 की मृत्यु हो गई। झारखंड में 467 एक्टिव केस हैं। भारत में 12,517 नए मरीज मिले हैं। भारत में कुल एक्टिव केस 136,422 है, वहीं कुल मौत की संख्या 156,123 है। 1 मार्च से इन गतिविधियों को खोलने की अनुमति। सरकारी कर्मचारियों के लिए रोस्टर प्रणाली खत्म करते हुए सभी सरकारी ऑफिस में 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। बंद पड़े हॉल भी खुलेंगे, लेकिन क्षमता का 50% तक लोग ही इकट्ठा हो पाएंगे। खुली जगह में अधिकतम 1,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, यानी मेला प्रदर्शनी की अनुमति मिल गई है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का हर हाल में पालन करना होगा। कक्षा 9वीं 8वीं 11वीं को खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान पेरेंट्स की अनुमति अनिवार्य होगी, लेकिन इस दौरान स्टूडेंट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। बता दें हायर एजुकेशन जैसे कॉलेज, पॉलिटेक्निक आदि को खोलने की अनुमति प्रदान की गई। इस दौरान UGC के दिशा निर्देश का अनुपालन करने के लिए यूनिवर्सिटी निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत है। कोचिंग संस्थान को खोलने की अनुमति मिल गई है। सभी ट्रेनिंग संस्थान जैसे ITI, कौशल विकास केंद्र आदि भी 1 मार्च 2021 से खुलेंगे। खेलकूद प्रतियोगिता का भी अब आयोजन होगा, लेकिन इसमें 1,000 दर्शक से अधिक नहीं होंगे। केवल खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति मिली है। 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। आगामी 1 अप्रैल 2021 से आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। हालांकि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि आंगनबाड़ी केंद्र खोलने से पहले आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को कोरोना वायरस का टीका लेना होगा। 14वें राज्य स्तरीय तीरंदाजी में रांची ऑल ओवर चैंपियन। इंडियन राउंड के 14वें राज्य स्तरीय तीरंदाजी में रांची ऑल ओवर चैंपियन बना, जबकि पश्चिमी सिंहभूम रनर रहा। वहीं तीसरे स्थान पर बोकारो जिला की टीम रही। बता दें सभी तीरंदाज खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। बता दें पश्चिमी सिंहभूम के कुमार डोंगी में आयोजित राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में रांची के तीरंदाज 16 स्वर्ण 21 रजत और 15 कांस्य पदक जीतकर पहले स्थान पर रहे। आज जेल से छूट सकते हैं लालू यादव। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज जेल से बाहर आ सकते हैं। बता दें उनके बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और उनके परिवार व पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए आज अहम दिन है। उनकी जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन में झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हो रही है। सबकी नज़रें लालू के बेल पर टिकी है। जमीन खरीदने बेचने वालों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। झारखंड में जमीन से जुड़े विवादों के अस्थायी समाधान की दिशा में राज्य सरकार काम करेगी। बता दें गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में उन्होंने कहा कि हर जमीन का एक यूनिक ID नंबर होगा। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग काफ़ी तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जमीन को लेकर ढेर सारे विवाद सुनने को मिलते हैं। इन विवादों से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर हम प्रयासरत हैं। जिस तरीके से जमीन माफिया आदिवासी के जमीन लूट रहे हैं, उन सभी पर अब अंकुश लगेगा। पाकुड़ में ऋण माफी के लिए 17,000 किसान चिन्हित। किसान ऋण माफी योजना को धरातल पर लाने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। बता दें कृषि विभाग योजना का लाभ देने के लिए पाकुड़ जिले के अब तक 17,000 किसानों को चिन्हित कर चुका है। इस योजना के तहत किसानों का 50,000 तक का ऋण माफ होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान संबंधित CSC में अपना आधार लिंक कराने में जुट गए हैं। बंगाल चुनाव को लेकर झामुमो की तैयारी। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें भाजपा, झामुमो, कांग्रेस, आजसू में बैठकों का दौरा शुरू हो चुका है। प्रमुख दलों के नेता लगातार बंगाल में रैली व सभा कर अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं झामुमो ने जनवरी माह में ही झारग्राम में रैली कर चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर चुका है।
नक्सलियों की तरकीब को चकनाचूर करने के लिए पुलिस टीम ने बनाई योजना। नक्सल अभियान के दौरान पुलिस नक्सलियों द्वारा आईडी से बचने के लिए झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम को साथ लेकर चलेगी। टीम द्वारा संबंधित संदिग्ध स्थान की जांच करने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। बता दें, आईडी लगाकर पुलिस को नुकसान पहुंचाने से संबंधित नक्सलियों की रणनीति से बचने के लिए पुलिस अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है। पलामू में 65,000 किसानों को कृषि ऋण का लाभ। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना से पलामू के 65,839 किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें 22,888 किसानों की ऑनलाइन सूची उपलब्ध है, जबकि 9,928 किसानों की ऑफलाइन सूची है। वहीं ऑफलाइन सूची को जिला आपूर्ति पदाधिकारी के स्तर से सत्यापित किया जाएगा। इसे लेकर बुधवार को जिला स्तरीय वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया गया। 19 से चलेगी कोल्हापुर धनबाद दीक्षा भूमि एक्सप्रेस। 11 माह के बाद धनबाद से पुणे होकर कोल्हापुर जाने वाली दीक्षा भूमि एक्सप्रेस को चलाने की मंजूरी मिल गई है। बता दें, कोल्हापुर से धनबाद के लिए 19 फरवरी से ट्रेन चलेगी। वापसी में धनबाद से 22 फरवरी से इस ट्रेन को चलाया जाएगा। आदिवासी धर्म कोड लागू कराने की मांग को लेकर 20 को धरना। राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनियस धर्म समन्वय समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री देव कुमार धान की अध्यक्षता में गुरुवार को संगठन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस मौके पर धान ने कहा कि वर्ष 2021 की जनगणना का कार्य आगामी कुछ महीनों में शुरू होने वाली है, जिसके कारण 2021 के जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म कोड लागू कराने के लिए बहुत कम समय बचा है। इसलिए राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनियस धर्म समन्वय समिति के द्वारा पूरे देश स्तर पर आंदोलन को तेज किया जा रहा है। हेमंत सरकार को एनडीए के ऑफर पर बोले बाबूलाल मरांडी। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले द्वारा बीते दिनों सीएम हेमंत को एनडीए में शामिल होने को लेकर दिए गए ऑफर पर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने एक ताजा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी को भी एनडीए में शामिल होने का ऑफर नहीं दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा है इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उक्त बातें उन्होंने लोहरदगा में एक कार्यक्रम के दौरान कही। बाबा नगरी में जुटेंगे देश भर के पहलवान। भारतीय कुश्ती संघ ने झारखंड राज्य कुश्ती संघ को अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी है। बता दें, यह चैंपियनशिप जून माह में बाबा नगरी देवघर में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश भर के 1300 से ज्यादा पहलवान भाग लेंगे। झारखंड राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने बताया कि जून में होने वाले चैंपियनशिप के लिए तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। सफेद कार्ड वाले कृषि ऋण माफी योजना में नहीं। राज्य सरकार की ऋण माफी योजना के तहत योग्य लाभुकों का बकाया कर्ज समय पर माफ करने के लिए गुरुवार को जिला आपूर्ति कार्यालय में जिला आपूर्ति पदाधिकारी विकास तिर्की की अध्यक्षता में कृषि विभाग तथा आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी की संयुक्त बैठक हुई। इसमें जिला कृषि पदाधिकारी ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को बताया कि ऋण माफी योजना के तहत जामताड़ा जिले के 40,000 योग्य लाभुकों का कृषि ऋण राशि माफ का लक्ष्य रखा गया है। अब तक विभिन्न बैंकों से 1245 लाभुकों की सूची ऑनलाइन, जबकि 3379 लाभुकों की सूची ऑफलाइन जिला कृषि कार्यालय को मिली है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।